राहुल भाई इसका यही काम है। और ये दूसरा स्कीम मैच, बाकी पूरी टीम में नहीं होता, टॉस ही करते हैं हेड अप। और ये टॉस किसने जीता है? टॉस जीतकर बहरीन ने पहले शायद बल्लेबाजी का फैसला किया है। दूसरा इसकी मैच, पहला जीत चुकी है बहरी। शंकर फार्म को बल्ले फील्डिंग का न्योता दिया है। और दूसरा इसकी मैच, शायद पांच पांच ओवर का ये मैच, क्योंकि शाम हो गई है और अंधेरा हो जाएगा। इसलिए इस्लाम स्पोर्ट्स क्लब को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इस्लाम स्पोर्ट्स क्लब करके इंस्टा आईडी है हमारी। बहुत जल्द हम आपको फेसबुक पर भी नज़र आएंगे। और आतिफ भाई नजर आते हुए ग्राउंड में, क्या कह रहे हो? बताओ फिर, मैं अगर मैं उल्टी कहूंगा फिर तू बुरा लगेगा तुझे, और मैं ऐसे छीलूंगा बहनचोद की वायरल हो जाएगा। वो चिन्ना ने जो कैच छोड़ा ना, उसकी मेरे परदादा रतन सिंह भी होता वो भी कैच कर लेते। और मैच में पैसे इकट्ठे होते हुए स्कीम मैच के लिए 600 इनके, 500 उनके, 700 मेरे। और दूसरा ये स्कीम मैच, पहला ओवर बिल्लू सांडा सामना करेंगे बल्लेबाज। बेहतरीन शॉट, पहली गेंद पर लगा दिया है 6 रन। आ गई फेक, टप्पा को दे रहा है यार। पांच पांच ओवर का ये दूसरा स्कीम मैच, 5,000 रुपए का। एक बार फिर बिल्लू सांडा, बेहतरीन बॉल और आसानी से एक रन पूरा किया। टीम का स्कोर पहुंचा 7 रन। और बैटिंग एंड पर आए हैं काशिफ, बेहतरीन शॉट, 6 रन, 13 रन। बिल्लू सांडा, बेहतरीन शॉट, लेग की जानी खेल दिया 1 रन के लिए, 14 रन। बेहतरीन शॉट ऑफ स्टंप पे खेल दिया है और आसानी से 2 रन पूरे किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। एक बार फिर बिल्लू सांडा सामना करेंगे बल्लेबाज। 3 शॉट कवर्स की जानिब खेल दिया है, 1 ओवर 17 रन। बल्लेबाजी शानदार और बॉलिंग एंड पाया मिंटू। और आते ही वाइड बॉल मिंटू, और शानदार गेंद। अरे भाई इतना बड़ा कट लगा है, इतना बड़ा, और शायद अपील करते हुए और एम्पायर ने नकारा। और फाइनली एम्पायर ने अपना डिसीजन चेंज किया और पता है कि आउट था यार, आउट। और अब बल्लेबाजी करना है असद का, भी शानदार गेंद मिंटू की, और एक और शानदार वाइट। 5-5 ओवर का ये इसकी मैच, दूसरा ओवर प्रगति पर, और शानदार फिल्टॉस बॉल का कोई खास फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज असद। स्ट्राइक पर आए हैं अब काशिफ, 20 रन बना है 7 ओवर में, ये पहले में तो बेहतरीन शॉट, हवा में गेंद, 6 रन। मिंटू एक बार फिर सामना करेंगे काशिफ, शानदार वाइड बॉल, एक बार फिर मिंटू, और शानदार शॉट, 4 रन। बेहतरीन शॉट, एक बार फिर मिंटू सामना करेंगे शत, अच्छी बॉल
और शानदार वाइड बॉल मिंटो, काफी खराब गेंदबाजी करते हुए, दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए और अच्छी गेंद, शानदार शॉट कवर्स की जाने, मछली पकड़ता हुआ फील्डर, मिंटो तैयार, काशिफ बेहतरीन बॉल, ओवर की समाप्ति और अब नए गेंदबाज सैजल, शानदार वाइड बॉल और एक और शानदार वाइड बॉल, वन बाउंस, एक और अच्छी गेंद, एक और वाइड बॉल, एक और वाइड बॉल, शानदार गेंद और इतनी अच्छी कैच राहित कतली के द्वारा, जो कि गोपी भाई की जगह कीपरिंग करने आए हैं। और एक बार फिर काशिफ, जो कि पिछले मैच में लबालब लंबे लंबे छक्के मारे थे, देखते हैं इस बार कितने लंबे छक्के मारेंगे। और वाइट बॉल, शानदार शॉट, अरे कप्तान यार का बाउंड्री की बाउंड्री में पकड़ोगे और शैजल एक बार फिर सामना करेंगे काशिफ, शानदार गेंद, और खड़ी कर दी है चार रन। और अच्छी गेंद, तीन ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 35 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। बैड़ी रात होती हुई 6:30 बजते हुए, अगर उन्होंने जल्दी नहीं किया तो दूसरी बल्ले इनिंग में उनको दिक्कत होगी अंधेरे में। और चौथा और अपनी तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए हैं मून, शानदार गेंद, चौथा झटका लगता हुआ काशिफ के रूप में, जो कि पिछली इनिंग में काफी लंबे लंबे हिट मारे थे और इस बार सबसे ज्यादा लंबा हिट मारा है सीधे कीपर के हाथ में। नए बल्लेबाज, जो कि पिछले मैच में उन्होंने छक्का मार के अपनी टीम को जिताया था, इनिंग पिच की तरफ आते हुए एक बार फिर शानदार बॉल, एक और शानदार गेंद, और एक और अच्छी गेंद, एक बार फिर शानदार शॉट कवर्स के ऊपर से, फील्डर मौजूद, और ये काफी शानदार कैच ड्रॉप, चार रन। शानदार बॉल और ये शानदार कैच मेंडिस की, और काफी अच्छी गेंदबाजी मुकर्रम भाई के द्वारा आते ही बहुत तगड़ा झटका लगा है बैड़ी को। लास्ट ओवर प्रगति पर नए बल्लेबाज उल्टी टोपी वाले मुकर्रम भाई फिर से, एक और अच्छा गेंद, अच्छी शॉट, दोनों फील्डर मौजूद वहां पर, चार गेंद शेष। मुकर्रम भाई एक बार फिर काशिफ के लिए, शानदार शॉट काशिफ का, 6 रन। Yeah,
यार सीधा दे ले यार। अच्छी बॉल, अच्छा शॉट, नेट की जानी फेल दिया है, फील्डर मेंडिस मौजूद और ये आउट। 50 रन का टारगेट दिया है बैगड़ी ने शंकर फारम को और बल्ला लेकर तुरंत आ गए हैं शैजिल, क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है, जितना जल्दी हो सके उनको ये इनिंग शुरू करनी होगी, नहीं तो शंकर फारम को खेलने में दिक्कत होगी, बॉल दिखेगी नहीं। और दूसरी सेट से शायद नारंग आ रहे हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें असलम स्पोर्ट्स क्लब को। और दूसरी इनिंग स्टार्ट होती हुई सामना करेंगे शैजिल नॉन स्ट्राइक पर नारंग, और अच्छी बॉल, 50 रन का टारगेट दिया है 5 ओवर में। शॉट, पीछे फील्डर मौजूद और कोई मौका नहीं, 4 रन। एक बार फिर तैयार शैजिल और काफी अच्छी गेंद, उतनी ही अच्छी कैच फील्डर के द्वारा, 4 रन बनाकर जाते हुए। और अब बॉलिंग बैटिंग एंड पर आए नए बल्लेबाज गोपी, बेहतरीन शॉट और उतना ही शानदार कैच, दूसरा झटका लगता हुआ शंकर फारम को। और अब बल्लेबाजी करने आए हैं मेंडिस, साथ देंगे नारंगा, एक और अच्छी गेंद और कट शॉट, पीछे फील्डर मौजूद, एक रन आसानी से पूरा करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। बेहतरीन शॉट और इतना ही शानदार कैच, लगातार 3 विकेट ले लिए हैं इस ओवर में शंकर वारम, ताश के पत्तों की तरह ढेर होती हुई शानदार गेंदबाजी बहड़ी के बॉलर के द्वारा। और अब नए बल्लेबाज एंडिस सामना करेंगे असद का, शानदार तेज गेंद, और शानदार कट, पीछे फील्डर मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। बल्लेबाजी करने आए हैं स्ट्राइक पर ताहिर, सामना करेंगे बुलेट की स्पीड से डाल रहे गेंद असद भाई का, बेहतरीन शॉट, शानदार सिंगल, असद एक बार फिर मेंडिस के लिए, और शायद ये नामुमकिन सा मैच क्योंकि अब अंधेरा भी हो गया है और सही से बॉल दिख भी नहीं रही। और बोल्ड मार दिया है असद ने, शानदार गेंदबाजी, ताश के पत्तों की तरह बिखर सी गई है शंकर फारम। और तीसरा ओवर पकी थी, टीम का स्कोर 8 रन और विकेट तो पता नहीं कितने गिर चुके हैं, और मिस फील्ड 4 रन, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन, पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है। और अच्छी गेंद खड़ी कर दिए, नीचे फील्डर मौजूद, और ये एक और झटका लगता हुआ किच्छा को। और अब बल्लेबाजी करने आए हैं मुकर्रम, और मैच का लुत्फ उठाते हुए दर्शक बड़ी दूर से ये लोग मैच देखने आते हैं यहाँ पर
अरे और लगता है पूरी तरह से शंकर फार्म ने हार मान ली है। जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे बैटिंग में। और शायद अब बल्लेबाजों को गेंद दिखना बंद हो चुकी है, इसलिए उल्टा सीधा बल्ला घुमा रहे हैं। ओवर समाप्त, लास्ट ओवर आना शेष और अंधेरे में मारा गया ये तीर। 6 रन। लास्ट ओवर शेष, 5 बॉल 28 रन और खड़ी कर दी है। कोई फील्डर मौजूद नहीं, शायद एक ही रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। आने वाली 3 गेंद शेष और लगभग ये मैच जीत चुकी है बहेड़ी। दूसरा इसकी मैच भी बहेड़ी ने शंकर फार्म को हरा दिया है। लाइक करें, शेयर करें असलम स्पोर्ट्स क्लब को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। गुड बाय।